1301 में अलाउद्दीन हमला करता है। कब करता है अलाउद्दीन हमला यहां पे रणथंभौर पे? 1301 में। क्यों कर दिया भाई उसने हमला? अलाउद्दीन के सारे हमलों में एक बात हमेशा लिखनी है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वास्तविक कारण यही, अलाउद्दीन वह राजा है, मुसलमानों में वह पहला राजा था जिसने साउथ इंडिया पे अटैक किए थे। इससे पहले तो कोई साउथ पे अटैक नहीं कर पाया था मुसलमान राजा। इसका मतलब साम्राज्य विस्तार तो करना ही है उसको। नॉर्थ छोड़ के साउथ तक चला गया था वो आदमी, एक तो साम्राज्य विस्तार है। दूसरा, अपने किसी भी किले की बात है, एक बात हमेशा लिखना कि हमारे किले सामरिक महत्व के थे। कैसे महत्व के थे? युद्ध की दृष्टि से किले बहुत ऊंचे थे, बहुत मजबूत थे। इन किलों में बैठ के अपनी रक्षा की जा सकती थी। कोई आदमी चाहता था इन किलों पे कब्जा कर ले? अपने वालों ने किले बनवाए इसीलिए थे कि जब कभी बड़ा हमला होगा तो अपने किले के अंदर आराम से बैठा जा सके। इतने विशाल का किले हैं कि 30,000-30,000 की पब्लिक अंदर रख लिया करते यार। पूरे किले में खेती कर लेते हो आप, पूरे किले के अंदर आपके पानी का भंडारण हो रखा है। तो किला कितना अच्छा सुरक्षा के लिए हुआ करता था। अलाउद्दीन को लगता था अपने पास भी एक आधा किला तो ऐसा हो। अपने किसी चित्तौड़ पे हमला है, रणथंभौर पे हमला है, हमेशा लिखना है कि किले किसके लिए जाने जाते थे। भारत में दो जगह बहुत अच्छी जगह थी, पैसे वाली जगह थी, मालवा और गुजरात। कौन सी दो जगह? मालवा में खेती अच्छी, गुजरात का व्यापार अच्छा। दिल्ली में जो कोई राजा बनता हो दो जगह कब्जा करना चाहता, मालवा और गुजरात। दोनों जगह का रास्ता राजस्थान से होके जाता है। दिल्ली से मालवा जाओगे तो राजस्थान बीच में आएगा, दिल्ली से गुजरात जाओगे तो भी बीच में क्या आएगा? राजस्थान। दिल्ली का कोई सुल्तान चाहता था कि राजस्थान पे कब्जा करे ताकि गुजरात मालवा कंट्रोल में रहे। और गुजरात मालवा जाने के लिए बीच में दो किले आते थे, इधर चित्तौड़गढ़, इधर रणथंभौर। कौन कौन से दो किले आते? तो वो कब्जा करना चाहता है आपके। कौन से रूट पे कब्जा करना चाहता है? दिल्ली से, और दिल्ली से अलाउद्दीन का चाचा लगता है जलालुद्दीन, उसको दो बार हरा के भेजा था अमीर ने, तो बदला नहीं ले बेचारा। दादा का, बाप का, भाई का कोई तो ले बदला। अलाउद्दीन ने कहा मैं लूंगा भाई, तो जलालुद्दीन खिलजी के हम लूंगा क्या लेना चाहता है? बदला। एक बड़ी बात हुई, अलाउद्दीन के दो सेनापति थे, एक का नाम था मोहम्मद शाह और एक का नाम था केहबरू। कौन कौन दो सेनापति थे बताओ? देखे किसके सेनापति है? अलाउद्दीन से लड़के भाग के अमीर के पास आ गए। अलाउद्दीन गुजरात लूटने के लिए गया था, और गुजरात में लूटने के बाद में जब धन का बंटवारा कर रहे थे, उस धन के बंटवारे को लेकर लड़ाई होगी इन सेनापतियों की। ये दोनों मंगोल थे। ये दोनों कौन थे? 1296 में मुसलमान बने थे, 1299 में गुजरात लूटने चले गए थे, और उस टाइम वहां पर जब धन बांट रहे थे तो इन्होंने कहा हमें धन कम मिला है। और इन्होंने कहा यह धन कम हमें इसलिए मिला है क्योंकि अलाउद्दीन हमें मुसलमान नहीं समझता। अलाउद्दीन को लगता है तो नए नए मुसलमान बने, इनको ज्यादा किस बात का दूं, और हमें ये धन नहीं चाहिए तेरा। और वहां अलाउद्दीन से बगावत कर देते हैं। बगावत करके कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। तो ये भाग के आ गया आपके हमीर के पास। हमीर ने इन दोनों को शरण दे दी। हमीर ने क्या दे दी? शरण। अलाउद्दीन ने कहा भाई तू इनको मेरे दो बंदों कैसे शरण दे सकता, बाहर निकाल। उसने कहा नहीं साहब, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श है, और शरणागत की रक्षा की जाएगी। उसने कहा मैं तुझे मारूंगा, क्यों बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बार ये दोनों मेरी शरण में आए, इन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हम कहते अलाउद्दीन ने हमला कर दिया। क्या क्या कारण है बताओ? देखे तीन तो हमेशा याद रखने हैं। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला क्यों किया? तीन कारण। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर हमला क्यों किया? तीन कारण। अलाउद्दीन ने जालौर पर हमला क्यों किया? कहीं कुछ ही लिखवाना, अलाउद्दीन के हमले तीन हमेशा लिख देने, साम्राज्य विस्तार की नीति थी। कोई अकबर का हमला, राजस्थान पे कोई हमला हुआ, तीन बातें हमेशा लिखनी है, साम्राज्य विस्तार की नीति, उनकी व्यापारिक महत्व और सामरिक महत्व। अपने सारे किले इस बात को फुलफिल करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। एक आधा कोई कारण उस राजा से संबंधित होता है वो अलग है। अलाउद्दीन के दो कारण है, जलालुद्दीन खिलजी दो बार हार के गया था, अलाउद्दीन क्या लेना चाहता है? उसका बदला लेना चाहता है। और इधर आपके मोहम्मद शाह के हबरू जो दोनों है, अलाउद्दीन के सेनापति बगावत करके किसके पास में आ गए? अमीर के पास में। लड़ाई भी अमीर को, इनको लगा कि यार पार पड़ेगी नहीं, तो किला बंद करके अंदर बैठ गए। बाहर अलाउद्दीन की सेना बैठी हुई, किले के अंदर इनकी सेना बैठी हुई। अलाउद्दीन अमीर के दो बंदों को अपनी तरफ मिला लेता है, रणमल और रतिपाल। कौन कौन दो बंदे थे? रणमल और रतिपाल। इन दोनों बंदों को अपनी साइड में मिला लेता है, और इन बंदों को अपनी साइड के अंदर मिला के किले के अंदर का जो पानी था उसमें गाय का खून मिला देता है। तो आप कहा भाई ये पानी पीने योग्य अपने तो नहीं बचा, पीने योग्य नहीं बचा, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? लड़ाई, ऐसी लड़ाइयां जिनमें इनकी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा हो, ऐसी लड़ाइयां जिसमें एकमात्र अब उपाय मृत्यु बचा, इसके अलावा कुछ भी बचा नहीं है, ऐसी लड़ाइयां जिनमें हार पहले से निश्चित हुआ करती थी, उनको बोलते थे साके। क्या बोलते थे? युद्ध का अंतिम विकल्प है, पानी पी नहीं सकते, कैसे मरोगे, इससे अच्छा है बाहर जाके लड़ाई कर लो। युद्ध के अंतिम विकल्प के रूप में जो लड़ाइयां की जाती उनको क्या बोलते थे? साके। साके में दो चीज होती थी, एक होता जौहर, एक होता केसरिया। एक तो जौहर होता था, क्या होता था? केसरिया।
जोहर का मतलब है महिलाएं अग्नि स्नान किया करती थी। पक्का है आप हारोगे, पक्का है आप मरोगे सारे के सारे। आप 8000 सामने वाले 80000 किसी भी प्रकार से आप बच दो, दो तरीके हैं, या सरेंडर कर दो जाके पैरों पर जाओ अगले के, या आप लड़ो लड़ते हुए मरे जाओ। उनको लगता था लड़ेंगे मरेंगे, और जब आप 8000 मर जाओगे तो आपके पीछे लुगाई टापरूंगा धनी दोरी कौन है। और सामने दुश्मन वो है जो सबसे पहले महिलाओं पर वार करेगा, इन सारी महिलाओं को उठा के लेके जाएगा। इसलिए युद्ध में जाने से पहले सारी महिलाएं जोहर कर लेती थी, बाकायदा पहले सब कुछ करवा के जाते थे। और जब ये हो जाता तो एक आदमी का गुस्सा और खतरनाक हुआ करता था, और उसे लगता है ये जो बाहर बंदा बैठा ना, इसकी वजह से आज मैं मरूंगा, इसकी वजह से मेरा पूरा परिवार को मेरे हाथों से जलाना पड़ गया है। इसलिए जब वो बाहर निकलता था उसका गुस्सा अपरंपार ही था, और वो करो या मरो वाली लड़ाई लड़ता था। उसको पता था मुझे तो मरना है, अब जितने लेके मरूं उतने ठीक है। तो साकों के रिजल्ट बहुत भयानक है। चित्तौड़ के तीसरे साके में चित्तौड़ वालों की तरफ से 8000 लड़े थे, अकबर के 48000 के आसपास काट दिए थे उन्होंने। बहुत भयंकर भयंकर रिजल्ट है साकों के। और ये सिंपल है, मतलब आपके सामने जब यही उपाय होगी आप मरेंगे, और आपके सामने 5 है ना, तो आपके मन में सबसे पहले कहेगा 2-3 को तो सलटा के मरूं। हर आदमी ये चाहेगा, ये कहिए साकों के रिजल्ट थे। महिलाएं जोहर करती है, हमीर की रानी थी रंग देवी, कौन थी, इसने जोहर कर लिया, राजा के नेतृत्व में केसरिया होता था, इसने क्या कर लिया, केसरिया। हम कहते हैं हमारे राजस्थान का पहला साका था, राजस्थान का क्या था, अलाउद्दीन ने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद अमीर खुसरो कहता है आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। कुफर का घर किसका घर हो गया, इतने दिन तक जो काफिरों के पास में चीज थी आज वो किसके पास में आ गई, इस्लाम। हमीर की एक बेटी थी, उसका नाम था देवलदे। हमीर की बेटी कौन थी, अच्छा जो महिलाएं शादीशुदा होती थी वो जोहर कर लिया करती, वो छोटे छोटे माइनर बच्चे होते उनको माँ अपनी गोद में लेके बैठती थी, माँ अपनी गोद में लेके जल जाया करती थी उनको। ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हो लेकिन शादी नहीं हो रखी हो, उनको बाद में बाहर निकालते किलों से, किसी ना किसी रास्ते से बाहर निकालते, उनकी शादी करवाते मामा के पास, भूआ के पास, वैसे भेज दिया करते, इसका ब्याह करवा दो। यहाँ अलाउद्दीन का घेरा इतना भयंकर था कि हमीर की एक कुंवारी बेटी थी देवलदे, इसको बाहर नहीं निकाल पाए। तो जब यहाँ पे पानी खराब कर दिया गया, जब साके की बारी आई तो हमीर कमरे में बंद होकर बैठ जाता है, और हमीर चुपचाप बैठा हुआ, उधर सेना बाहर वेट करे बेचारी कि राजा बाहर आएगा, केसरिया करवाएगा, महिलाएं वेट करे कि राजा बाहर आगे जोहर की अनुमति देगा, लकड़ियां वगैरह लाई हुई है, यज्ञ करेंगे, बाद में इसके अंदर जाएंगे। पूरा प्रॉपर होता था, पहले यज्ञ करते थे, मंत्र बोलते थे, फिर महिलाएं पूरा श्रृंगार किया करती थी, फिर जोहर के अंदर जाके बैठती। रानियां जोहर में जाने से पहले अपने पास जो भी धन हुआ करता था उसका दान दिया करती, कागज लिखवाया करती किसको कितना देना कितना नहीं देना, तब जाके किया जाता था। यूं नहीं कि लप लगाई जाओ कूद जाओ इसके अंदर जाके, प्रॉपर ढंग था पूरा एकदम। तो ये तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कोई बाद में कहते हैं कि युद्ध में हार होती देख कर महिलाओं ने आग लगा ली, ऐसे कैसे लगती है, बड़े नहीं आदमी 3-4 घंटे तो यार अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो नहीं चलता आदमी। वैसे कैसे होता था कि बाहर हार गए उसके बाद भी आपने जोर कर लिया, पूरा प्रॉपर पूरा राख हो जाती थी तब बाहर निकलते थे लड़ने के लिए, अब लड़ना है जाके। उस देवलदे वाले मामले में दिक्कत हुई कि अब हमीर को ये टेंशन, देवलदे का क्या करें, रंग देवी रानी थी, रानी रंग देवी को सैनिकों ने आगे कहा कि रानी राजा अंदर जाके बैठा हुआ है चुपचाप, पूछ तो सही क्या करना है, बाहर पीने का पानी नहीं है, क्यों प्यास से मरेंगे, इससे अच्छा बाहर जाके लड़ ले। रंग देवी को बड़ा गुस्सा आया, रंग देवी लगा यार मेरा पति इतना कायर हो गया डर के मारे अंदर जाके दुबक के बैठा हुआ, और रंग देवी ने जाके अमीर को डायलॉग सुना दिए, तो शर्म नहीं आती तुझे, नपुंसकों की तरह अंदर आके बैठ गए, लड़ाई से डर लगता तो मना कर दे, मैं लड़ लूंगी, मैं सेनापति बन जाऊंगी इसकी। जब सुबह ही पता चल गया कि किले का पानी खराब हो गया, हमें जब साका करना पड़ेगा, डर किस बात का है, सबने लकड़ियां वगैरह बाहर तैयार कर रखी है, यज्ञ के लिए पंडित जी बैठे, सैनिक केसरी कपड़े पहन के बैठे हुए, ऑर्डर दे महिलाएं जोहर करे और पुरुष सारे केसरी कपड़े पहनते हुए लड़ते हुए जाए, और यदि तुझे लगता है कि तू लड़ नहीं सकता, तू कायर है, फिर अंदर बैठा रहे, चूड़ियां वूड़िया और कौन सा तेरे को। अमीर को तो डायलॉग दिया, अमीर मुस्कुराया, मैंने कहा चिल बेबी चिल का बैठ जा। उसने कहा तुम सारी जोहर कर लोगी, हम सारे केसरिया कर लेंगे, देवलदे का क्या करेंगे, मने मरने रो दुख नहीं है, कमरी दी चिंता सारा है, इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीला ना हो सके, कुंवारी कन्या इतना जोहर री सेज ना सोई सके। इस हालत में तो इसके हाथ पीले भी नहीं कर सकते, लड़की कुंवारी है जोहर नहीं करवा सकते, इसको उठा के ले जाएगा। इस बार रंग देवी के होश उड़ गए, और रंग देवी को लगा रही ये तो बात सही है, इस देवलदे का क्या किया जाएगा। ये बात देवलदे को पता चलती है कि मेरे पिता